गाजियाबाद में प्लॉट दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी करने का मामला सामने आया। मामले को लेकर दर्जनों पीड़ित अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए थाने पहुंचे। दरअसल नोएडा और आसपास के क्षेत्रों में छोटी छोटी नौकरी करने वाले लोगों को प्लॉट देने की उम्मीद लगाए थे, तभी एक महिला ने इन्हें पुष्पन नाम के शख्स से मिलवाया और पुष्पन ने इन्हें अपने घर का सपना दिखाकर आसान किस्तों में प्लॉट देने का वादा किया। और हर महीने जो ठग है वो पीड़ितों से किस्त की राशि लेता था, उसके बाद जब लोगों की किस्त पूरी हो गई तो उन्होंने प्लॉट मांगना शुरू किया, तो इन्हें धमकाकर मना कर दिया। शिकायतकर्ताओं के अनुसार 14 से 16 की किस्त हर माह जमा कराई जाती थी, इनमें से कुछ लोगों ने 5 साल तक पूरी किस्त जमा भी की। महीना पैसे दे के आते थे। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं वो प्लॉट के लिए? तो वो प्लॉट के लिए कह रहे हैं कि दे देंगे, और अब हम फोन करते हैं तो वो उठाते नहीं कि जो आपसे बनता है वो कर लो, मेरे पास नहीं है पैसा। अच्छा, अब आप थाने पहुंचे, शिकायत दी, पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का कहना है कि हम एक्शन लेंगे, पूरी कोशिश करेंगे आपको इंसाफ दिलाने के लिए। पर्सन ने ये दिया है कि अभी आप एक एप्लीकेशन लिख के दें तो हम आपको जैसा भी होगा आपको बताते हैं, फिर दोबारा हमें आना पड़ेगा यहाँ पे। और हमें बस यही है कि हमें प्लॉट नहीं तो कम से कम हमें न्याय तो मिले, कुछ तो मिले। लेकिन यहाँ से को सर ने हमें रिस्पॉन्स दिया कि आपको ज़रूर न्याय मिलेगा, जल्दी से जल्दी हमें इसका आश्वासन चाहिए। 1600 रुपये से एंट्री जमा करके 2019 तक पूरा पैसा जमा किया। अब क्या कह रहा है? तो अब जो कह रहे हैं ना, हम पैसे देंगे, प्लॉट आपको लेना है तो प्लॉट दिखाते हैं 10 लाख रुपये का, 10 लाख रुपये तो हम कभी कर नहीं पाएंगे, तो पैसा हमारा देने के लिए इनकार करते हैं। मासिक किस्त पे प्लाट देने का एक प्रकरण संज्ञान में आया है कि प्लाट के लिए पैसे लिए गए और प्लाट नहीं दिए जा रहे हैं। शिकायतकर्ता अपनी शिकायत दे रहे हैं, एंटी फ्रॉड सेल के माध्यम से जांच कराई जाएगी। तो कितना बड़ा फ्रॉड माना जा रहा है कि संख्या काफी? अभी कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, शिकायतकर्ता आए, जैसे वो अप्लीकेशन देंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।